इंटरव्यू में ये कहा कि वो पवन सिंह को नहीं जानती है, क्या लगता है कि वाकई ऐसा होगा या फिर ये दिखावा है? नहीं, वो ऐसा कोई नहीं है। भोजपुरी में अगर कोई भी एंट्री मारता है ना कहीं से हो, चाहे भारत से हो चाहे अलग देश से हो, तो भोजपुरी अगर किसी भी वो गाने की सुनती है चाहे किसी भी काम में काम करना चाहती है एल्बम या मूवी में, तो वो पहला नाम पवन खेसारी का जाता है जी। और बड़े बड़े वो हरि की राजद के गमछिया बनल अपना हो सर आजनुआ हमार आर जे डी लभर हर की लालटेन के दीवाना लालू चाचा जसनी डर आजनुआ हमार आर जे डी लभर। नमस्कार, प्रणाम, लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशूर है। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के सुपर डुपर कलाकार और अहिरान स्टार टुनटुन लाल यादव, क्योंकि हर बार कोशिश रहती है इनसे मिलने की, कुछ ना कुछ इनका चर्चा चलते ही रहता है। टुनटुन जी, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और लाइव लॉन्ग न्यूज़ चैनल पर देखने वाली जितनी भी भगवान सिंह की जनता है, सबको तहे दिल से हमारे तरफ से प्रणाम है। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। हमेशा किसी न किसी बहाने चर्चे में बने रहते हैं और आपका गाना हिट पे हिट गाना आजकल मार्केट में आ रहा है। मैं चाहूँगी कोई कोई प्यारा सा एक सॉन्ग दर्शकों के लिए सुना दीजिए। हर की जनी चुप कर पागल रे आज पागल के डोल बेदे जनी चुप कर पागल रे आज पागल के डोल बेदे तू रोब तारू जेतना रोबाब तारू ओतना तू रोब तारू जेतना रोबाब तारू ओतना हमर झाइल फेस धोल बेदे जनी चुप कर पागल रे आज पगल के रोल बेदे जनी चुप कर पागल रे आज पगल के रोल बेदे। ये गाना आपका बहुत ही अच्छा मार्केट में बजा भी और वायरल भी रहा। अच्छा टुनटुन जी, अभी फिलहाल विवाद भोजपुरी में फिर एक विवाद तुल पकड़ा हुआ है, विवाद खेसारी जी और प्रमोद जी में चल रहा है एक ही गाने को लेकर। इनका कहना है कि ये हमारा गाना है और उनका कहना हमारा गाना है, आपकी क्या राय है इस पे? और समझिए कि दोनों आदमी का गाना है, हम किसी को नहीं कहेंगे कि उनका गाना है इनका गाना है, दोनों लोगों का गाना है और उस पर दोनों लोगों का हक है। तो स्ट्राइक मरवाया जा रहा है फिलहाल प्रमोद प्रेमी के गाने पर खेसारी लाल के टीम के द्वारा, लेकिन देखा जाए तो पहले रिलीज उनका हुआ है, ये कहाँ तक सही है? वो उतना तो होता रहता है और दोनों लोग भाई हैं, हम दोनों लोग को ज़्यादा मानते हैं और हम नहीं चाहते कि वो दोनों आपस में कभी एक दूसरे से पंगा लें। दोनों अपने भाई हैं और तीसरा हम भी भाई हैं उन लोग, तो हम दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद। अच्छा, ऐसा सिचुएशन अगर कभी आपके साथ आता है कि एक गाने पे कोई और दावा करता है मेरा भी और आपका भी है आपस में, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? हम इस सिचुएशन में सोचेंगे कि आपका भी बजे और मेरा भी बजे, ऐसे मेरे साथ होता है, लेकिन हम नहीं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, सोचता हूँ कि जितना मेरे भाग में होगा उतना मेरा बजेगा और बड़ा कलाकार गाय है तो उसका बजेगा हमसे ज़्यादा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत अच्छा सोच है अगर ऐसा रहा तो। एक और विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी अभी हाल ही फिलहाल में, एक सौम्या पोखरियाल नाम की लड़की है, उसके बारे में, वो बहुत दिन से खेसारी जी का नाम का टैटू बनाई थी जिससे चर्चे में थी, उसने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो पवन सिंह को नहीं जानती है, क्या लगता है कि वाकई ऐसा होगा या फिर ये दिखावा है? नहीं, वो ऐसा कोई नहीं है। भोजपुरी में अगर कोई भी एंट्री मारता है ना कहीं से हो, चाहे भारत से हो चाहे अलग देश से हो, तो भोजपुरी अगर किसी भी वो गाने की सुनती है चाहे किसी भी काम में काम करना चाहती है एल्बम या मूवी में, तो वो पहला नाम पवन खेसारी का जाता है जी। और बड़े बड़े वो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के छोड़ के बॉलीवुड के जो आते हैं लोग पैसा लगाने के लिए, तो सच में आते हैं तो इन्हीं दोनों का नाम आता है, चाहे वो खेसारी भी हो चाहे पवन भी हो, तो ऐसा बात नहीं कि वो नहीं जानती होगी। हालाँकि फ्लो फ्लो में उनसे बुला गया होगा, लेकिन जानती तो जरूर होगी। चलिए, ये तो यहाँ तक। अच्छा, कभी आपको मौका मिले पवन जी जी के साथ, वैसे तो आपके सारी जी के फैन हैं, आप शुरू से ये बात सबके सामने रखते हैं, अगर आपको मिले मौका पवन जी के साथ काम करने के लिए तो क्या आप करेंगे? क्या है नहीं करेंगे, भोजपुरी में सबके साथ हम काम करेंगे, हमें किसी से ये नहीं रहता है, सबके साथ काम करना है। चलिए, कब तक शूट होने का चांसेज है प्रतिज्ञा 3 मूवी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? होगा कुछ जानकारी, लगन बात किया जाएगा, लगन बात बातचीत
चल रही है, बेसब्री से चल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। अभी अनिल सम्राट जी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, शायद आपको जानकारी मिली ही होगी कि तेज प्रताप जी उनके साथ मतलब बदसलूकी किए हैं, सीधे तौर पे उनको मारे हैं, ऐसा पूरा न्यूज में चर्चे में बहुत ज्यादा जोर से है। इस पे क्या राय होगी टुनटुन लाल यादव की? इसके विषय में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनिल सम्राट जी आपके बहुत करीबी हैं, पाए गए हैं बहुत जगह। करीबी हैं वो, हमारे अपने हैं और हमारा आरजेडी परिवार भी अपना ही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम दोनों की प्राइवेट बात फ्लो हो, पब्लिक में जाए। आपस में लोग समझ लेंगे, खुद ही समझ आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो उनको आपस में सुलझा लेना चाहिए था, पब्लिक तो गलती से वही लोग कर रहे हैं। अब इसके विषय में हम क्या बताएंगे, पर्सनली मैटर है। अच्छा, आपके नज़रिए से अनिल सम्राट जी कैसे विचार के व्यक्ति हैं? इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, भोले हैं और निडर इंसान है, किसी से डरते नहीं, और वाकई में वो अच्छे इंसान हैं। उन्होंने इस बात को रखा भी कि गलती से उनके मुँह से वो वर्ड तेज प्रताप के लिए निकल गया, तो ऐसा ही होगा शायद। उस मैटर में नहीं बोले, वो प्राइवेट मैटर है उन लोगों का, इसके विषय में हम क्या बताएं। चलिए कोई बात नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं। आरजेडी परिवार में लालू जी फिर से वापस आ गए हैं, आप जानते थे उनको जेल हुआ था, फिर जेल से वो बाहर आ गए हैं, उनके लिए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, वो हम लोगों का वो नहीं बोलते, हम लोगों का वो उन्हीं के प्यार आशीर्वाद से हम लोग कहीं भी चलते हैं। चलिए, मैं चाहूँगी आरजेडी परिवार के लिए जो आप गाना गाए थे वो गाना एक बार गा के सुनिए। हर की राजद के गमछिया बनल अपन हो सर आजनुआ हमार आर जे डी लभर हर की लालटिन के दीवाना लालू चाचा जसनी डर आजनुआ हमार आर जे डी लभर। चलिए टुनटुन जी, आज के लिए इतना ही, आपने समय दिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइव हो लॉन्ग न्यूज चैनल का, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे आशीर्वाद। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में और धमाकेदार इंटरव्यू में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।